पहले बोल ही मैंने उसको नहीं किया। टर्न दिस साइड, टर्न 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 होना पड़ेगा, थोड़ा सा टर्न होना पड़ेगा। मम्मी के साथ आंटी संभाल के इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि माँ बाप के सामने इतनी अचीवमेंट्स हो सके हैं। आई थिंक इट्स बीन अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। आई ऑलवेज वांटेड टू मेक देम प्राउड और आज जब वो हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे रिएक्ट करूँ, यू नो ऑनेस्टली। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आज आपके बेटे के सामने कितने सामने कैमरे और कितना लोगों का दिल जीत ले। नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये तो हमारा ड्रीम कम ट्रू है। we have been watching him from his young age and we understood हमने समझा था कि कुछ ना कुछ आगे बनेगा और हमें प्राउड फील कराएगा और हम we are on the top of the sky right now. Thank you. बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, अच्छा अपना है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये और आगे बढ़े और ऐसे ही प्यार ये लोगों को भी देता रहे और लोगों से भी लेता रहे। ये has to go together, you have to get and give. So he's now giving, you know where you're from. Yes, you will get. If you give only, you will get. Otherwise, you won't. माशाल्लाह कहना चाहेंगे। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखो लोगों तक पहुंचेगा तो और ज़्यादा प्यार मिलेगा। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग बहुत, जो हमने मेहनत की थी सारी वीडियो में ऑडियो में सब चीज़ों में, तो उस चीज़ों को सराह रहे हैं लोग, तो अच्छा ही लगता है बहुत। इट्स अ गुड फीलिंग। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए हमेशा वो छोटा ही रहता है। तो ये बताइए कि ऐसी कौन सी शरारत है जो अभी भी इनके अंदर है? बहुत सारी अभी तक बाकी है, थोड़ी बहुत क्या मतलब, बहुत पहले तो ज्यादा थी, अब थोड़ा कम है, फिर भी है। मॉम की अभी मैं बताता हूँ, मॉम की प्रॉब्लम है कि मैं जो वो कहती हैं वो करता नहीं हूँ। हाँ तो मॉम बचपन में ये चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के MBA वाला हूँ, सूट बूट पहन के ऑफिस जाऊँ, तो मैं डॉक्टर बोली तो ये एक्टर बन गया बस। तो उसके बाद कई चीज़ें ऐसी होती रही, आज तक भी होती हैं कि मैं मम्मी कहती कुछ फेस पैक्स बना देती हूँ कभी घर पर, कहती है लगा ले और मुझे पसंद नहीं है लगाना, मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे वो अजीब सा लगता है मुझे। तो आई थिंक शी स्टिल दैट मॉम टू मी हुज ऑलवेज बीन लाइक दैट फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल नाउ एंड दैट विल नेवर चेंज। माँ तो ऐसी होती है। लास्ट क्वेश्चन गाइस। जी लगा लास्ट यही था। थैंक यू यार, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। राइट में टर्न हो जाइए थोड़ा, थोड़ा ऐसा नहीं ना, हाँ बस ऐसे ही। अरे अरे रुक जाओ, अरे ऑन द वे, सामने देखिए, सामने में ये कैमरा, इधर 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 ये साइड, इधर देखिए ना, इधर मैम सबसे पहले बोल दूं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, एंड सेकंड चीज आप क्या बोलना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? सबसे पहले तो जिसने प्रोड्यूस किया है वो एक 22 ईयर ओल्ड लड़की है, so big congratulations to her, it's a very proud moment for everyone, for all of us, and congratulations to Hiba, Faman, and I'm very glad that I've met both of them, they're very sweet, very talented, and mujhe pata chala hai ye gaane ka jo concept hai, I really love that concept, love this concept, and I think मुझे नहीं पता था कि इतनी अवेयरनेस आ जाएगी इन सब चीज़ों के बारे में कि म्यूज़िक वीडियो में भी ये टॉपिक उठाया जाएगा। इट्स अबाउट एंग्जाइटी एंड फमान प्लेइंग द कैरेक्टर, ही ब्रिंग्स हर आउट ऑफ दैट
एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, ये सब बहुत कॉमन है और हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए. ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई सिंपथी या इसका कोई ट्रिक नहीं होता. ये बहुत कॉमन है स्पेशली विद दिस फास्ट पेस्ड लाइफ. आई थिंक मैं थोड़ा बहुत डिक्लेयर कर ही देती हूँ, आई एम नॉट अ प्रॉपर पेशेंट और समथिंग, बट देर आर टाइम्स वेन इवन आई फील एंग्शियस. तो ये बात सुन के, ये बात पता जब से मुझे चली है, मैं एकदम यू नो टच्ड हो गई हूँ कि इस पे म्यूज़िक वीडियो बनाए. एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू द होल टीम, टू फामा, टू हिबा एंड टू द गर्ल. थैंक यू सो मच. आई थिंक जितना आप मेरे फैंस जानते हैं या फिर इंटरव्यूज या वीडियो से देखा होगा कि मैं इजीली इतना जेलअप नहीं होती हूँ लोगों से, पर फामान की पर्सनालिटी ऐसी है, हिबा की भी पर्सनालिटी ऐसी है. हिबा से तो मैं एक ही बार मिली हूँ, सिर्फ बातचीत भी नहीं हुई है. फामान की पर्सनालिटी ऐसी है कि यू नो ही मेक्स यू वेरी कम्फर्टेबल, इट फील्स लाइक यू नो हिम सिंस फॉर एवर. एंड आई थिंक दैट्स वाई आई एम योर लाइक वन कॉल एंड आई एम योर. एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी 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 टैलेंटेड. And Hiba too. Bye, man. Thank you. हेलो, नमस्ते. एनी क्वेश्चंस और शुड आई जस्ट? या श्योर, आई विल स्टार्ट. आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ. एक्चुअली मैंने लॉन्च से पहले गाना सुना हुआ था, वीडियो भी देखा हुआ था, बट आज जो एक्सपीरियंस था बहुत यूनिक था. हम लोग घर पे बैठ के टीवी पे देख रहे थे वीडियो एंड आई एक्चुअली सॉ माय मॉम क्लैपिंग एंड मेरी भाई साफ़ सफाई कर रही थी, वो भी रुक गई वीडियो देखते देखते. एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी द ग्रोथ, द जर्नी दैट फामान हैज़ हैड. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल वीडियो. वीडियो देख के ऐसा एक म्यूजिकल सा प्यारा सा जर्नी लगा. इतना स्मूथली बनाया गया, इतना क्लासी है. और उसके शूट के पहले दिन हम जब बात कर रहे थे, उसने मुझे वर्ड टू वर्ड बताया था कि वो फ्रेम बाय फ्रेम कैसे शूट करने वाला है गाना प्ले करके. एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट ही एक्चुअली मैनेज्ड टू एग्जीक्यूट दैट इन रियलिटी, जो बहुत रेयरली होता है. हम जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी, अ लॉट ऑफ विजन एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड आई थिंक फामान इज़ अ कम्प्लीट पैकेज इन दैट सेंस. आई थिंक ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट एंड I'm so happy and I'm so proud of him that he has actually pulled through and made such a beautiful video. And Taabish ke bare mein main kya hi bolu, uske jitne bhi gaane sune hain wo hamesha mere playlist mein hote hain. I think there are so many times that I start my day with his music because uski aawaz mein kuch aur hi hai. I've never heard a voice like Taabish and वो भले इतना बातें करके मुझे कभी कभी परेशान करता है, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी ही प्यारी है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम. आई थिंक द टैलेंट दैट ही हैज़, आई नो वो एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही नोन आवाज़ बहुत जल्द बनेगा. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. I loved it. My mom, my dad, we all, whoever I watched the video with me, I think our instant reaction was they look so cute on screen. They were looking great. Everything about the video was beautiful. And yeah, the couple looked great actually. Har ek shot mein wo log bahut pyare lag rahe the. And I think that's the sign of good actors. Wo jab bhi kisi ke bhi saath kaam karte hain, unki chemistry bani jati hai. So I think with actors like Faman and Hiba, wo kisi ke bhi saath kaam karenge to unki chemistry uth ke aayegi. And them being fantastic actors individually, I think together they are looking wonderful on screen. Thank you so much. Thank you. Thank you. Right mein. Samne.
मैम लेफ्ट 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 साइड टर्न हो गया ना लेफ्ट में टर्न हो जाए आ जाइए भाई वेट 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 वेलकम ऑलरेडी रेडी रोलिंग सो सिमरन जी वेलकम हमारी प्यारी नोबिता आ चुकी है तो क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में मैं कहना चाहती हूँ दैट आई हर्ड द सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज़ अमेजिंग इट्स सच अ स्वीट रोमांटिक नंबर एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अमेजिंग द सॉन्ग इज़ अमेजिंग इट आई थिंक टचेस द राइट कॉर्ड्स ऑफ द ऑडियंस सो एज अ ऑडियंस इट्स वेरी नाइस टू वॉच द सॉन्ग ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हेमान बिकॉज ही इज़ एक्टेड इन द सॉन्ग ही इज़ ऑल्सो डिरेक्टेड इट सो आई थिंक दीज आर टू वेरी ग्रेट क्वालिटीज टू फॉर वन पर्सन टू हैव सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू हेम सिमरन जी ने तो थैंक यू दे दिया लेकिन अगर नोबिता को थैंक यू देना होगा तो कैसे देंगे नोबिता को देना होगा तो नोबिता स्टाइल में बोलते हैं कि 1 2 3 हेलो दोस्तों मेरा नाम है नोबिता नाम तो सुना ही होगा क्या आप सब लोग मुझे टीवी पे देखते हो क्या कहा देखते हो अच्छा लगता हो ना मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना जो बेरादा सॉन्ग है वो बहुत ही बढ़िया है आप सब लोग ये सॉन्ग देखें और खूब सारा इसको प्यार दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाय ऐसे टर्न हो जाइए ना यस दोनों यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम इधर लेफ्ट देखिए ना लेफ्ट लेफ्ट में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा ट्विस्ट कौन है उधर पिल्लू है ओके सो आई थिंक मैंने इस गाने का हिस्सा काफ़ी वक्त से रही हूँ इवन बिफोर द फर्स्ट स्क्रैच केम आउट तो मैंने इसकी ग्रोथ देखी है और मुझे बहुत खूबसूरत लगा था इन द फर्स्ट गो ओनली इन फैक्ट मैंने फमान को बोला भी था ऐसे देखना तेरा ये गाना रेज होगा इट विल बी अ हिट एंड आई थिंक आई वाज राइट इन सेइंग दैट बिकॉज इट्स फैंटास्टिक इट्स गॉट ही इज डायरेक्टिंग इट एज या ही इज डायरेक्टिंग इट आल्सो फॉर एन एक्टर इट इज अ वंडरफुल फीलिंग टू डायरेक्ट योर ओन सॉन्ग या वो प्रेशर ही अलग है so I'm sure he must have taken that step taken yeah. that guts you know to so do I always say like that ladka apna kamal hai actor bemisal hai aur director bhi dhamal hai iske usne paise nahi diye mujhe main genuinely bol rahi hu मुझे ना ऐसा लगता है फामान एज एन एक्टर आई एम रियली नॉट प्रेजिंग हिम बिकॉज वो मेरा दोस्त है एंड वी आर वर्किंग टुगेदर आई जेन्यूनली फील ना कि वो एक ऐसा बंदा है ना जिसकी केमिस्ट्री किसी के साथ भी बन सकती है बिकॉज ही इज गॉट समथिंग समथिंग अबाउट हिज आइज जैसे हम रणबीर कपूर के लिए बोलते हैं आई फील आई सी दैट इन हिम ही इज द इंटेंस एक्टर ऑफ टेलीविजन एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे व्हाटएवर वी आर वेयरिंग कि मेरी स्माइल से नीचे तो नजर जाती नहीं फमान की आंखों से नीचे ही मुझे लगता नजर नहीं जाती सो आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ माय हस्बैंड सो आई जेन्युइनली मीन इट वाओ इट्स अमेजिंग आई थिंक समटाइम्स यू नो आप जस्ट बॉर्न विद दैट ब्लेसिंग फ्रॉम ऊपर वाला कि आप जिस चीज़ पे हाथ रखते हो वो सोना हो जाती है तो आई एम ग्लैड एंड हैप्पी दैट ही सीइंग दिस सक्सेस इन हिज लाइफ एंड वी आर विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द बेस्ट और ट्रेन करे वो तो करेगा ही लड़का अपना कमाल है मुझे इस गाने की शुरुआत बहुत पसंद है इनफैक्ट मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इस गाने को रिक्रिएट करूँगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ मैं अपने बच्चों के लिए ये गाना गा रही हूँ कि पहचान में ही ना आ रहा मैं जिन रंगों से तूने सजा दिया सो आई थिंक आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे माई किड्स कि मैं अपनी ज़िंदगी उनके बिना इमेजिन नहीं कर सकती तो ये गाने ने मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया सो आई लाइक दैट शो ऑफ एंड हैव इट वरना आप क्या कहना चाहोगे
अच्छे अच्छे समय पे ऐसी ऐसी बातें नहीं करते ना जिसमें दिल दुख जाए और टूट के हाथ में आ जाए और आपको टुकड़े टुकड़े भी दिख जाए. सो यस, इट इज़ वेरी सैड कि इट्स गोइंग ऑफ एयर, बट ये सुन के अच्छा लगा कि बजट हाई था इसलिए बंद हो रहा है. कि एक चीज बंद होती है तो दूसरी चीज शुरू होती है. बहुत जल्दी बंद होगी ना, बट इट्स ओके. हर एक शो की एक डेस्टिनी होती है एंड डेस्टिनी के अगेंस्ट तो आप जा ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जा सकता हम में से. आज बी पॉजिटिव की गोली खा के निकले. थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू थैंक यू.